सड़कों पर कई मॉडल के बुलेट चलते हुए आपने देखा होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोने का बुलेट चलते हुए देखा है? अगर नहीं तो आज हम आपको सोने के बुलेट के बारे में बताने जा रहे हैं। गोल्डन कलर की यह चमचमाती हुई सोने के बुलेट की सारी खासियत बुलेट वाली ही है, लेकिन इसके बॉडी पर 24 कैरेट गोल्ड की परत चढ़ाई गई है। आपको बता दें, लगभग 200 से 300 ग्राम सोने की परत चढ़ाई गई है। यह करने में लगभग 3 से 14 लाख रुपए खर्च हुआ है। यह काम कोई ऐसा ही इंसान कर सकता है जिसको सोने से बेइंतहा मोहब्बत हो। पूरे बिहार में एक ही ऐसा इंसान है जो प्रत्यक्ष रूप से सोने के प्रति प्रेम को जाहिर करता है। नाम है प्रेम कुमार सिंह, जो गोल्डन मैन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं। आपको बता दें, बिहार के गोल्डन मैन के नाम से चर्चित प्रेम सिंह मुख्य रूप से भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। उन्हें बचपन से ही सोने से लगाव था, पहनते भी थे लेकिन कम मात्रा में। 6 साल पहले गोल्डन के प्रति प्रेम ऐसा जागा कि यह 2 नहीं बल्कि 5 किलो 200 ग्राम सोना पहनकर चलने लगे। अब तो यह आंकड़ा 5 किलो 400 ग्राम का हो गया है। गले में सोने की अलग अलग मोटी चैन, सभी उंगलियों में रिंग, कलाई पर भी आभूषण के बाद अब तो सवारी भी सोने की हो गई है। करीब 14 लाख रुपए खर्च कर प्रेम सिंह ने गोल्डन बुलेट तैयार करवाई है। आपको ये भी बताते चलें कि सोने के बीच जिंदगी जीने का यह अंदाज प्रेम सिंह को सबसे अलग बनाता है। 5 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का सोना धारण किए प्रेम सिंह जब अपनी गाड़ी से उतरते हैं तो लोगों में सेल्फी लेने के लिए होड़ मच जाती है। पेशे से सरकारी ठेकेदार और खानदान से जमींदार प्रेम सिंह बताते हैं कि शुरुआत 500 ग्राम से हुआ था, लेकिन जिस तरीके से बूंद बूंद से तालाब भरता है, उसी प्रकार धीरे धीरे मेरे शरीर पर गोल्ड बढ़ने लगा और आज 5 किलो 400 ग्राम हो गया। अगर बात करें इनके लक्ष्य की, तो प्रेम सिंह का दावा है कि वो बिहार के पहले और देश के दूसरे गोल्ड मैन है। पहले स्थान पर जो है वो 7 से 8 किलो के करीब सोना पहनकर चलता है। इनका मकसद है कि एक दिन यह दूसरे स्थान से ऊपर उठकर पहले स्थान पर बने। इसके लिए लगातार गोल्ड खरीदने में बढ़ोतरी करते रहते हैं। बुलेट के बाद अब सोने की पगड़ी और चश्मे का निर्माण चल रहा है। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए इन खबर के साथ।